बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर लिमिटेशन को इतना मैटर तो नहीं करता, लेकिन याद रखिएगा कि कानून हमेशा विजिलेंट शख्स की हेल्प करता है और इंडोलेंट जो सुस्त है अपना हक लेने में, कानून उसकी कोई मदद नहीं करता है। लॉ ऑफ लेशिस इसी के गर्द घूमता है। जब कोई जानबूझकर अपना हक लेने में डिले करता है, देन कानून उसकी कोई हेल्प नहीं करता। लिमिटेशन एक्ट 1908 आमतौर पर सिविल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के हवाले से लिमिटेशन का कोई सच इतना मामला तो नहीं है, लेकिन बाज ऐसे मैटर्स हैं जिनमें टाइम फ्रेम के एतबार से कुछ लिमिटेशंस लगा दी गई हैं और वो प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल होने के साथ साथ उस टाइम फ्रेम के अंदर जकड़ी हुई होती हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एफआईआर के अंदराज के लिए या अंडर सेक्शन 200 एक इस्तगासे की दायरी के लिए ख्वा कोई मियाद मुकर्रर नहीं है, कानून कोई मियाद मुकर्रर नहीं करता, लेकिन अगर ताखीर की जा रही है देन उस ताखीर को जस्टिफाई करना पड़ेगा। लिमिटेशन ख्वा नहीं है, कोई मियाद नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ लेशिस को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, ताखीर का जवाब देना पड़ेगा। यह बात एक सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पर इंटरप्रेट होती है 2013 वाईएलआर पेश है 1530 में। और अगर किसी ऐसी क्रिमिनल कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी है जिसका दायरा इख्तियार उसके पास नहीं था, तो ऐसी जजमेंट के खिलाफ, ऐसी जजमेंट को चैलेंज करने के लिए कानून में कोई लिमिटेशन जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि ऐसी लिमिटेशन जो बगैर इख्तियार समाअत पास की गई है कानून की नजर में कोई अहमियत की हामल नहीं है। यह बात इंटरप्रेट होती है 2011 PCRLJ पेज 411 में, जब एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कोई बंदा अक्विट हो जाता है तो बर्रियत के खिलाफ अपील जब करनी है, और बर्रियत के खिलाफ जब भी अक्विटल के खिलाफ आप अपील में जाते हैं, अंडर सेक्शन 417 सब सेक्शन 2 CRPC आप उसको अप्लाई करते हैं, तो बर्रियत के खिलाफ अपील अगर स्टेट की तरफ से की जा रही है तो देन लिमिटेशन 6 माह की है, और अगर प्राइवेट पर्सन ने करनी है अपील, मुलजम बरी हो गया है, उसकी बर्रियत के खिलाफ अपील में जाना है एक आम आदमी ने, तो चलान केस है अगर FIR की बिना पे, तो बर्रियत के खिलाफ
जो अपील देनी है उसकी मियाद 30 डेज है, और अगर इस्तगासा है तो इस्तगासे केस में बर्रियत के खिलाफ अपील की जो मियाद है वो 60 दिन है, और ये लिमिटेशन अक्विटल के हवाले से 417-2 में ये टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया गया है, और इस हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट रूल इस्टेब्लिश किए गए हैं। वैसे ही 417 एक एक्सेप्शनल केस है, और बहुत हद्दोखाल ही मामलात होते हैं कि 417 में जो क्विटल है जब वो चैलेंज होती है तो वो उसको ख़त्म किया जाए। एक्सेप्शनल केसेस में ही ऐसा मुमकिन है। ये बात इंटरप्रेट होती है 2014 SCMR page 67 में, और अगर आप किसी मैटर में क्रिमिनल रिवीजन में जा रहे हैं तो याद रखिएगा, जब भी किसी एरर ऑफ लॉ की बिना पे या किसी कोर्ट ऑफ लॉ के इख्तियार समाज से तजावज करने की बिना पे, जब भी आप क्रिमिनल रिवीजन में जाएंगे तो उसके लिए कोई मियाद मुकर्रर नहीं की गई है। केस के हालात के मुताबिक, केस के हालात के मुताबिक जो फौजदारी रिवीजन है वो दायर की जा सकती है। और इस हवाले से जो चीज़ सामने इंटरप्रिटेशन में आती है वो 1991 PCRLJ page 728 है, और 2000 YLR page 2610 है, और लेटेस्ट एक अथॉरिटीज पे जो सामने आती है जिसमें क्रिमिनल रिवीजन की लिमिटेशन के हवाले से बात की गई है, और इसको डिटरमिन किया गया है हर केस के हालातों वाकयात के मुताबिक, वो केस है 2016 PCRLJ page 1504 में। जहां तक बेल का मामला है तो बेल एप्लीकेशन दायर करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर मुलजम ऑन मेरिट जमानत का मुस्तहिक है, देन तफ्तीश की इब्तदाई स्टेज के ऊपर भी जमानत अप्लाई की जा सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बार नहीं है। हत्ता के बाद ऐसे केसेस हैं कि ड्यूरिंग रिमांड तफ्तीश की इब्तदाई स्टेज पे ही जमानत, यानी जमानत के लिए कानून कोई लिमिटेशन मुकर्रर नहीं कर रहा है। यह बात इंटरप्रेट होती है 2010 PCRLJ page 722 में, और PLJ 2002 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान page 145 है, और 1993 PCRLJ page 1386 है। क्रिमिनल मैटर्स के अंदर जब रिट पटिशन में जाएंगे अंडर आर्टिकल 199, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट में जाते हैं आप, तो रिट पटिशन दायर करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के हवाले से कोई लिमिटेशन मुकर्रर नहीं की गई है, किसी भी वक्त आप जा सकते हैं। ये बात इंटरप्रेट होती है 2010 YLR page 295 में। अगर एक बंदा कन्फेशन करना चाहता है तो कन्फेशन के लिए भी कानून में कोई लिमिटेशन नहीं है कि अब इस वक्त आप कन्फेशन कर रहे हैं, अब जनाब बहुत वक्त गुजर गया है, जबकि ऐसे नहीं है। कन्फेशन कलम बंद करवाने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है किसी भी स्टेज के ऊपर, कभी भी
एक मुलजम जो है वो कन्फेशन रिकॉर्ड करवा सकता है। ये बात इंटरप्रेट होती है 1999 SCMR पेज 1818 में और 2007 CRLJ पेज 796 में ये बात जो है इंटरप्रेट होती है। एंटी टेररिज्म कोड्स जो कि एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत काम कर रही है। अब एंटी टेररिज्म कोड के अक्विटल का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ जब अब बरीयत के खिलाफ अपील में जा रहे हैं और वो बरी किसने किया है, एंटी टेररिज्म कोर्ट ने, देन उसकी जो बरीयत के खिलाफ अपील है 417 वाली CRPC उसमें लिमिटेशन जो है वो 15 दिन की है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपने बरीयत के खिलाफ अपील दायर करनी है। ये बात इंटरप्रेट होती है 2000 PCRLJ पेज है 1418 में और 2002 PCRLJ पेज है 2041 में। उसके बाद हार्ट केसेस के अंदर हम देखते हैं कि मेडिकल बोर्ड के लिए जो एप्लीकेशन दी जाती है तो मेडिकल जारी होने के 21 यौम के अंदर अंदर, मेडिकल जब जारी हुआ है विद इन 21 डेज मेडिकल बोर्ड के लिए एप्लीकेशन जो है वो देनी है। 21 दिन के बाद तो जख्मों की सूरत हाल ही चेंज काफी हद तक हो जाती है और कानून अज्यूम करता है कि अब टाइम काफी गुजर चुका है क्योंकि जख्मों के लिए मेडिकल बोर्ड बनना है और 3 हफ्तों के बाद वैसे ही इंसानी जिस्म काफी हीला में चला जाता है। ये बात इंटरप्रेट होती है 2009 PCRLJ पेज है 1281 में और 1999 PCRLJ पेज है 2055 में। उसके बाद हम देखते हैं कि जब किसी मुलजम को इश्तिहारी किया जाता है तो अंडर सेक्शन 87 CRPC 30 दिन से पहले किसी मुलजम का इश्तिहार जारी नहीं किया जा सकता। 30 दिन उसका मामले को देखा जाएगा और जब वो अब्सकॉन्डर हो जाता है तो 30 दिन से पहले किसी मुलजम का इश्तिहार जारी नहीं किया जा सकता। ये बात इंटरप्रेट होती है 1991 PCRLJ पेज है 2229 में। अब जिस तरह से एक एप्लीकेशन ऑफ बेल जो है वो अप्लाई करने के लिए कोई लिमिटेशन कानून नहीं दे रहा है, ख्वाह आप 497 में जा रहे हैं पोस्ट अरेस्ट में या आप प्री अरेस्ट में जा रहे हैं, आप स्कॉन्डर भी जब आता है तो आते प्री अरेस्ट में आ जाता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, सेम एज इट इज। प्रोसिक्यूशन को भी फेवर दी गई है कि अगर किसी जमानत की मंसूही के लिए एप्लीकेशन देनी है अंडर सेक्शन 497 सबसेक्शन 5 मंसूही जमानत के लिए तो देन किसी भी वक्त दी जा सकती है, कोई लिमिटेशन कानून मुकर्रर नहीं करता है। ये बात इंटरप्रेट हुई और इसमें कुछ रूल इस्टेब्लिश किए गए इसके 1996 MLD पेज 37 पे और 1996 ST पेज 106 में। अब जिस तरह से अंडर सेक्शन 87 CRPC 30 दिन से पहले किसी मुलजम का इश्तिहार जारी नहीं किया जा सकता, बिल्कुल इसी तरह जब अंडर सेक्शन 88 CRPC
किसी मुलजम की, इश्तिहारी मुलजम की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है, तो अटैच प्रॉपर्टी को वागजार करवाने के लिए 2 साल की मियाद मुकर्रर कर दी गई है कि जब भी अटैच प्रॉपर्टी जो अंडर सेक्शन 88 CRPC किसी इश्तिहारी मुलजम की अटैच हो गई है, उसको वागजार कराने के लिए जो लिमिटेशन कानून देता है वो 2 ईयर है। और ये बात इंटरप्रेट हुई 2007 YLR पेज है 389 और PLJ 2008 CRC पेज 1 पे। उसके बाद एक एक्सह्यूमेशन के हवाले से ये बात आ जाती है कि कब्र कसाई कब करवाई जाएगी, इस तरह मेडिकल की एक लिमिटेशन है 21वीं ओम की। याद रखिएगा कि अंडर सेक्शन 176 CRPC कब्र कशाई के लिए या कब्र कशाई के अलावा पोस्टमार्टम दोबारा करवाने के लिए अगर कोई एप्लीकेशन देनी है तो कानून में उसकी भी कोई मियाद नहीं है। किसी भी वक्त कितने भी सालों बाद जो कब्र कुशाई के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, दे सकते हैं, जब भी पता चले कि जो मकतूल की डेथ थी वो अननेचुरल हुई थी या जो पोस्टमार्टम किया गया वो गलत किया गया, किसी भी वक्त आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। कोई लिमिटेशन इसको मकरर ही नहीं की गई है। और ये बात इंटरप्रेट भी हुई 2008 SCMR पेज 1086 में और PLJ 2008 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला पेज 694 पे इसको इंटरप्रेट किया गया। उससे पहले ये PLD 2007 लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट हुआ, पेज था 176। तो दोस्तों ये चंद बातें थीं जो कि लिमिटेशन मैटर्स के मुतलका है। एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के दौरान ये में लिमिटेशन जो है वो कहाँ तक है और अगर ताखीर हो जाती है तो ताखीर को किस अंदाज से सॉल्व आउट किया जा सकता है, उसकी बाकायदा एक जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट ये है कि बस दोस्त ये समझते हैं कि शायद मैं कोई लेक्चर देता हूँ, लेक्चर वगैरह कोई नहीं है, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मैं अपने दोस्तों से सिर्फ एक आसान जबान में गपशप लगाता हूँ और इसका बाकायदा तौर पर मैं इसको ला गोज़िब कहता हूँ कि ये गपशप है इजी मूड में। बाज़ दोस्त इसको सीरियस समझते हैं और कहते हैं जी आप बिस्तर में बैठ के गपशप क्या लेक्चर दे रहे होते हैं, तो भाई आप ना सुने मेरी गपशप। मेरी गपशप जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ टॉपिक्स के ऊपर है और लॉ टॉपिक्स इन ईजी वे यानी आसानी के साथ आप उसको समझ सकें। मैं भी अपने दोस्तों को ईजी लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट कर देता हूँ, बता देता हूँ। अगर मुनासिब लगे डेट्स गुड, इसको ज़रूर करें। और बाज़ दोस्तों को अच्छा नहीं लगता तो वो मुझे अनफ्रेंड कर दें, जब मैं लाइव होता हूँ ब्लॉक कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।